बच्चों को उठा के आ जाता है। चीकू मेरे गुस्से में हूँ, मैं मार दूंगी। अब मैं भी चीकू के साथ हूँ। चीकू के पापा परेशान कर रहे हैं चीकू बहुत। ओए बाहर चल खाना खा, चल। मैं सीरियस बोल रही हूँ। कितना चंटा आदमी है, नई गाड़ी में घूमिया बेटे। मैं आपको ना कंप्लेंट करने आई हूँ चीकू की, उसको थोड़ा धमका दो। आखिरी वार्निंग दे रही हूँ मैं। नहीं आप धमकाओ, मैं भी खाना खा लूंगा। हेलो भैया, बच्चे सो रहे होते हैं, बच्चों को उठा के आ जाता है, भैया देखो मुझे फ्री होते हैं तो फिर भाग गया। फिर बच्चों की नींद सब चीकू, मैं बता रही हूँ। उठा दिया, देखो उठा दिया भाभी। मुंह तोड़ चीकू, मैं गुस्से में हूँ, मैं मार दूंगी, मुंह तोड़ दूंगी। हिल गया वो तो, सारा हिल गया। तू और लाइट जला दे, तू और लाइट जला दे। अब मैं भी चीकू के साथ हूँ बेटा, हाथ मिला। कौन सा बच्चा उठाना, दोनों बच्चे उठाने। चीकू पापा परेशान कर रहे हैं चीकू बहुत। मैंने कब करा? नितिन बच्चे उठ रहे हैं, कुमार ले। ओए बाहर चल खाना खा, चल। तो भैया हमारी कोई वैल्यू नहीं है, हेडेक की। हेडेक की? मेरे सर में दर्द हो रहा है, तुम और उठ गए। मैं सीरियस बोल रही हूं। पिछली बार जो मीटिंग थी ना, फाइनल हो गई थी ना। अच्छा। 10 बिलियन करोड़ की इस पर फाइनल। अच्छा। चेक साइन करने जाते। ठीक है बेटा, 2-4 करोड़ दे दियो, ठीक है। ओए 3 करोड़ मुझे दो, 3 तेरा भाई हूं। तेरा भाई हूं। 3 करोड़ तेरे को पूरा चेक देगा, तू देगा सबको, ठीक है। दे दे दे, आप पैर आ जाए, देख इसको, बहुत देर हो गई। खाना खा ले, चल बाद में उठाएंगे खाना खाने बाद। ओए चलो आ जा, क्या करेंगे? उस दिन आपने वो नहीं करा थी गेम वाला? क्या गेम वाला? किसकी पहली बारी होगी इसकी? हाँ अच्छा, टॉस करूँ? हाँ, टॉस करूंगा। और पहली बार इस बार मेरी हुई तो देनी पड़ेगी, ठीक है। हाँ क्योंकि आप क्या थी, मैंने आपको टर्न दी थी, ठीक है। तो चलो गाइस फिर से टॉस कर लेते हैं, सीधा उल्टा मांग लो अभी। सीधा सीधा तो टॉस कर लेते हैं। नहीं नहीं उल्टा उल्टा उल्टा, कंफर्म है? बाद में मत बताना, उल्टा गाइस इसका, ठीक है। तो उल्टा है चीकू का, उल्टा। क्या बात, हर बार टॉस जीतता है लड़का, हर बार टॉस जीतता है। और क्या पता ये रिमोट उल्टा ही आता हो बार बार, चेक कर लेता हूँ पहले मैं, फिर उल्टा आया। अब तो टेढ़ा हो गया, अब तो अब सीधा आया। नहीं आता है भाई, आता है। तो गाइस अब है ना, सच में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि ना 2 घंटे ज्यादा हो गए और ये लड़का यहाँ पे बैठा, मैं इसको ढूंढ रहा हूँ इधर उधर। आप तो बोल के गए थे। ओ कितना चंटा आदमी, आप बोल के गए थे। मैं बोलूंगा बेटा 2 घंटे बैठे और गेम खेलो, है बेटा शान है, मत बना करो, बंद कर दो नहीं तो सीधा दबा दूंगा यहाँ से। तो भाई बहुत ही मुश्किल से उठ के आया ये लड़का, देख लो ये चेहरा देख सकते हो बेटा, दिखा साइड से। हाँ ये क्या हो रहा, पीट जाओगे? दो थोड़ी दो, चलो ऊपर ही लेके चलो, ये थोड़ी सी है ना, घुटने पे मरवाऊंगा ऐसे ठक ठक। चलो ऊपर चलो बेटे, भाभी रेडी हो जाओ फटाफट। मैं भी सोच रही हूँ कपड़े चेंज कर। तो गाइस मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ, भाभी और के लिए लिया गया एक स्पेशल गिफ्ट। गिफ्ट क्या है गाइस, मैं बता देती हूँ, चीकू के पापा ने माली ली है, शायद से मिनी कूपर या कोई पोर्श जैगुआर या ऑडी, कुछ में से कुछ ली है, कुछ ली है। तो अभी बस उसकी क्या करने जा रहे हैं हम, उसकी इसका एक तो इनका केक कटेगा दोनों बच्चियों का। हाँ। दोनों बच्चों का। हाँ, केक तो इनका सेकंड मंथ बर्थडे है ना। हाँ। तो चिकू पापा ने बोला एक तो इनका केक काटेंगे, दूसरा लाली अपने पैरों से उस पे निशान लगाएगी। हाँ। तो मैं आलता वालता सब लेके चल रहा हूँ। अच्छा ठीक है। तो गाइस ये व्लॉग आपको देखने को मिला कहाँ पे, फैमिली फिटनेस पे? फैमिली फिटनेस पे। फैमिली फिटनेस पे आपको इसकी सारी तैयारियां जो हम कर रहे हैं वो अरमान मलिक में मिलेगा, और अनबॉक्सिंग गाड़ी की अनबॉक्सिंग वो मिलेगी फैमिली फिटनेस। हाँ भाई नई गाड़ी में घूमिया बेटे, कितने 3 करोड़ की गाड़ी में घूमेगा। हाँ जी इनका बर्थडे कल है। किनका बर्थडे कल है? आयान तुबा का सेकंड मंथ बर्थडे है ना। अभी 2 महीने के हो रहे हैं। 2 महीने के हो गए ना बस। तो चिकू पापा ने मुझे गिफ्ट दिया है इनके 2 महीने। अच्छा, गाड़ी की। तो भाभी इनका गिफ्ट है वो, तो ये बड़े होंगे तब चलाएंगे ना, तब तक मैं चलाऊंगी। इन्होंने मुझे अपॉइंट कर रखा है चलाने के लिए पहले से। तुम छोड़ो मैं चलाऊंगी। भाभी चलाएंगे, भाभी सुन लो, सुन लो, बस यही काम मत करियो, बाकी कुछ भी कर ले तू। अभी आपका वो क्या रहा, आप गाड़ी सीखने लगे थे? गाड़ी सीखने लगे थे आप? मुझे आती है भाभी, रोज ले जाते थे कभी किसको कभी किसको, सामने कैमरा। मैंने घर में जितने भी गाइस सारे लोग हैं ना, देखो प्यार से देख रहे हैं मुझे। हाँ बीतू आपको देख रहा है भाभी, वो देख रहा है, मेकअप देख रहा है वो। अंजी अभी कलर बता दिया आपको भाई ने, कौन सा कलर है? नहीं वही तो नहीं बताया, और ये इतना खुश हो रही है जैसे इसको मिल रहा हो, मेरे को मिल रहा है, खुश खुद हो रही है। भाभी आपको नहीं मिला? आपको नहीं मिला? मैंने ड्राइवर से पॉइंट, ओहो खुश है ड्राइवर। भाभी आज आप पहली बार आपके आपके ऊपर लगी है, मतलब क्या आता है वो पॉइंट आपके ऊपर लगी। मैं इस पे हंस रही हूँ बेचारी, ये बोल के कि मैं ड्राइवर हूँ खुश हो रही, कोई बात नहीं। डर गई थी।
अभी देख रही है आपको तैयार होने भी सीखेगी ना मेकअप कैसे करते हैं। बेटा ये है ब्रश, मामा का ब्रश किट, यहाँ से निकाला है लाली इसको ऐसे चीकू का है हर खुशी के मौके पे ना चीकू का होता है। कार्टून देख रहे कहाँ है? अच्छा भैया क्वेश्चन पूछूं क्या कि लड़के जब ब्लशर लगाती तो हंसती क्यों है? पता नहीं भाभी ये कम गाइस अब कमेंट करना है, बहुत ही बड़ा मुद्दा है पूरे वर्ल्ड का कि जब लड़की ब्लशर लगाती है तो हंसती क्यों है। वो मैं सोच रहा था कोई बात तो है नहीं भाभी ऐसे ब्लशर लगता है ना इसलिए। तो गाइस नई गाड़ी की खुशी में ना मैं घर में बना रही हूँ खीर, और खीर मेरी तो बहुत फेवरेट है। चीकू के पापा की भी बहुत अच्छी है, पर बाहर से मीठा ना मंगाया कर घर में ही कुछ मीठा बना लेती हूँ सब लोगों के लिए। तो बस अभी दूध जो है मैं गैस पे रख के आई हूँ, फटाफट से बना देती हूँ, पौना घंटा लगेगा खीर बनाने में, बढ़िया खीर जो है वो पौने घंटे में बनती है। हेलो एवरीवन, तो आज हम लोग कमेंट पढ़ने जा रहे हैं चिरायू और पायल मलिक पे। आप इतने सारे कमेंट्स करते हैं तो हमने सोचा कि आपके कमेंट्स का रिप्लाई किया जाए, क्योंकि इतने प्यार से इतने प्यारे प्यारे कमेंट आप करते हैं अपना टाइम निकालकर, और किसी को टाइम देना भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अपने बिजी शेड्यूल में से आप अपना टाइम निकाल के हमारे ब्लॉग्स देखते हैं और फिर आपको कुछ चीज पसंद आती है या फिर आप कोई सजेशन देते हो तो उसके लिए कमेंट करते हो, तो बिल्कुल आपके कमेंट का जवाब देना तो बनता है। तो पहला कमेंट पढ़ने जा रही है गोलू। पहला कमेंट है YYYT478 का, बेड प्रोटेक्टर बहुत गर्म होती है उसके ऊपर कॉटन का कपड़ा बिछाओ, उस पर बेबी को सुलाओ। ये जो पिंक एंड ब्लू कलर के प्रोटेक्टर है ना, ये वूल जैसे हीट जनरेट करते हैं। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं आप लोगों के कमेंट आए थे तब से ना मैं ऊपर सूती का कपड़ा बिछा रही हूँ, क्योंकि सच में बच्चों को ना हीट जनरेट होती है, वो कपड़ा है इतना मोटा, चाहे बच्चों को एसी में सुलाओ चाहे बिना एसी के सुलाओ। तो अब से अगर आप हमारी व्लॉग देखोगे तो आप देखोगे कि अगर हमने प्रोटेक्टर बिछाया हुआ है ना तो उसके ऊपर हमने कपड़ा बिछाया है। तो नेक्स्ट कमेंट है आरती वर्मा 467 का, रात में मत जाया करो अरमान भैया ऐसी जगह। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, पर मेरे ख्याल आप भूत वाला जो हमने प्रैंक किया था उसके लिए बोल रहे हैं, या फिर आप बोल रहे हैं नदी, जो नदी पे ये लोग गए हैं उसके लिए। नदी ठीक है, तो नदी पे क्या था ना कि रात में इसलिए गए थे क्योंकि चीकू का ना पूरा दिन शेड्यूल उसका बिजी रहता है, वो ट्यूशन भी जाता है, फिर घर में हम लोग लेट उठते हैं क्योंकि अभी उसका ट्यूशन का स्कूल की छुट्टियां पड़ी हुई, तो हम लेट उठते हैं। तो उन्होंने प्रोग्राम तो हमारा भी जाने का, पर हम नहीं जा सकते, हमारे पास और 3 छोटे बच्चे हैं जिनको लेकर हम इतनी दूर ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। तो बस टाइम मिला तो वो लोग चले गए, वैसे ज्यादातर वो मॉर्निंग मतलब आफ्टरनून में ही जाते हैं, उस दिन थोड़ा लेट हो गए थे। तो नेक्स्ट कमेंट है दीपा कुमार जी का, गर्मी ज्यादा है पायल दी कृतिका दी, आप बच्चों का ख्याल रखे, बच्चों में जान बसती है हमारी। बिल्कुल सही कहा, आपकी भी और हमारी भी, हमारे बच्चों में जान बसती है, और बिल्कुल हम तो बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं बच्चों का, पर वो ये ना कि बच्चे बहुत ही ज्यादा ना कोमल होते हैं तो उनको कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो मतलब खांसी जुकाम या फिर नजर लगना या फिर जैसे पेट दर्द होना, गैस बनना, तो कभी भी कुछ भी हो जाता है, पता नहीं चलता कि बच्चा रो रहा है तो पेट दर्द से रो रहा है या भूख से रो रहा है। अभी ना अभी आयान और तुबा दोनों ना बहुत देर से रो रहे थे तो मैंने नजर भी उतारी उनको भी, और उसके बाद ना नजर उतारने के बाद भी वो थोड़ी देर रोए, फिर मुझे पता लगा कि नहीं यार ये तो भूख से रो रहे हैं, और मुझे ऐसे फिर मैंने उनको जो है फीड वीड कराया, अब जाके वो शांति से सो रहे हैं। तो नेक्स्ट कमेंट है @ईशा_अरोड़ा977 का, ये लोकेशन कहाँ है चंडीगढ़ के पास? ये तो हमें नहीं पता है, हम अरमान जी से पूछ के बताएंगे आपको बिल्कुल ये लोकेशन कहाँ है। नेक्स्ट व्लॉग में ना जब भी नितिन व्लॉग लेगा तो मैं उसे जरूर बताऊंगी कि लोकेशन कहाँ है, ताकि आप भी अपनी फैमिली के साथ जाके वहाँ एंजॉय कर सको। तो नेक्स्ट कमेंट है @मानस धवानी का 30226 का, बाप बेटा दोनों सुपर, अरमान का प्यार चीकू के लिए बहुत, शायद ये बोल रहे कि बहुत अच्छा प्यार है। हाँ शायद यही बोल रहे हैं, तो बिल्कुल पहला बच्चा पहला होता है, पहले बच्चे को ना बहुत बहुत ज्यादा लाड प्यार मिलता है, तो चीकू को ना अरमान जी का लाड प्यार बहुत ही ज्यादा मिलता है, तो इसीलिए ना जहाँ भी उनका जब भी उनको टाइम मिलता है वो चीकू के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, उसकी पसंद वाली जगह पे जाते हैं, जैसे लास्ट टाइम वो लोग गए थे वाटर पार्क, और नदी पे तो वो लोग जाते ही रहते हैं क्योंकि चीकू को पानी से बहुत प्यार है। तो नेक्स्ट कमेंट है गुरसन सिंह 3238 का, अगर बच्चों को गर्मी की वजह से दाने हो रहे हैं तो दूध से निलाओ, मेरे बेटे को ऐसा ही करती थी। अच्छा ये हमें नहीं पता था, पर हम करेंगे ट्राई, ट्राई करके देखेंगे, और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो शीट की वजह से भी बच्चों को जो है वो दाने हो गए थे, तो अब हमने जो है आप लोगों के कमेंट पढ़ने के बाद उस चीज पे हमने ध्यान दिया है, और हीट प्रोटेक्टर के ऊपर हम लोग सूती कपड़ा लगाने लग गए। तो नेक्स्ट कमेंट है @ReetuBeautyCD6EG का, आप हमेशा
हमेशा इतने सिंपल मैगी क्यों खाते हो, फ्राई मैगी मसाला मैगी क्यों नहीं खाते, इस मैगी को तो बच्चे खाते हैं। एक्चुअली क्या है ना, अरमान जी को तो मैगी बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन जब कभी बाहर जाते हैं ना और जिस जगह पे सिर्फ मैगी ही हो तो वहाँ पे वो मैगी खा लेते हैं, अदरवाइज उनको मैगी पसंद नहीं है। हाँ, चीकू भी महीने दो महीने में एक बार मैगी खाता है, तो मैगी की इतनी शौकीन नहीं है हमारे घर में। पर गोलू थोड़ी बहुत शौकीन थी पहले, पर अब जब से डिलीवरी हुई है उसने भी मैगी खाना बिल्कुल बंद ही कर दिया। तो नेक्स्ट कमेंट है @prachidon4654 का, बच्चों को ज्यादा देर तक मत लिटाया करो, लेटने से नीचे वाली जगह गर्म हो जाती है इसलिए घमोरियां हो जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि वो पसीने आ जाते हैं बच्चों को ना गर्मी से, और उसकी वजह से दाने हो जाते हैं। तो अब ना हम ट्राई करते हैं कि बच्चों को ना थोड़ी थोड़ी देर में ना मतलब शिफ्ट करते रहे, उनको पसीने आ रहे हैं ना तो उनको उठा के एक बार चेक करके फिर दोबारा सुला देते हैं। नेक्स्ट कमेंट है Radha Sharma 1724 का, पहाड़ों में अब बारिश हो रही है, प्लीज आप नदी के बीच में ना जाए क्योंकि एकदम से पानी आ जाता है। ये बिल्कुल सही कहा आपने, हमारे यहाँ पे भी आजकल बारिश इतनी ज्यादा हो रही है, कल रात को हमने कपड़े सुखाए थे और क्योंकि हमारी मशीन भी खराब है ना तो कपड़े धोने और सुखाने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है, और बारिश की वजह से तो और ज्यादा मुश्किल हो रही है। और बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, जहाँ नदी वदी होती है ना वहाँ पे बारिश के पानी से ना बहाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और मेरे ख्याल कोई फिसलने वाला भी था उस दिन। तो गाइस आज का लास्ट कमेंट है हिमानी राणा राणा का, हेलो और मानसर, आपकी फैमिली फिटनेस का 1.22 करोड़ का डायमंड प्ले बटन आपको मिल गया क्या? तो गाइस इसका रिप्लाई मैं दे देती हूँ। कभी कभी क्या होता है यूट्यूब ना आपको जो ऑप्शन है वो लेट देता है। एक्चुअली क्या होता है, जो आपका चैनल अगर यूट्यूब शॉर्ट्स का होता है ना तो बहुत जल्दी ऑप्शन आ जाता है मतलब कि डायमंड प्ले बटन अप्लाई करने के लिए, बट अगर आपके वीडियोस चलती है व्लॉग्स चलते हैं तो जब आपको यूट्यूब आपको एक्सेस देता है मतलब कि आपके पास एक कोड आता है, रिडीम कोड आता है जिसको हम रिडीम करते हैं, तो अगर वो कोड जब आएगा ना तभी हम रिडीम कर सकते हैं। तो अभी तक ना गाइस हमें वो रिडीम कोड आया नहीं, तो जैसे ही रिडीम कोड आएगा ना तो पक्का व्लॉग में भी इन्फॉर्मेशन दूंगी कि हमें रिडीम कोड आ गया, और रिडीम कोड को अवेल करने के विद इन 14-15 डेज के बाद ना हमें जो हमारा प्ले बटन है ना वो मिल जाएगा। तो बस आज इसी के साथ इस व्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय गाइस, गुड नाइट।